चलिए दोस्तों नए टॉपिक पर आते हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पर आते हैं, ग्रंथियां। यहां से आपको एक आध सवाल किसी न किसी एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छे से डिस्कस इसको पूरा करते हैं हम लोग। आपको बाहर कुछ भी और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रंथियां, ग्रंथियां क्या काम है इनका? विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करना। ठीक है, विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन करना, ये इनका मुख्य कार्य है। ग्रंथियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपकी अंतःस्रावी और एक है बाह्यस्रावी। ठीक है, या बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी का मतलब है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी का मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड अंतःस्रावी का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना, अंतर क्या है दोनों में, सबसे पहले यह देखने का प्रयास करते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। जो लोग लिख पा रहे हैं अच्छे से वो लिख लें, या जिनको पहले तो आप ये करें प्रयास की पूरा का पूरा पहले समझ लें, इसके बाद हम आप उसको नोट कर लेंगे या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जैसा आपको बेटर लगे। लिखते वक्त हो सकता है बहुत ज्यादा आप ग्रैप्स ना कर पाए, क्योंकि यह समझने वाला टॉपिक है। तो जरा देखते हैं, एंजाइम निकालती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। एंजाइम का क्या कार्य है? एंजाइम का कार्य है भैया, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड देखें जरा, यहाँ पे मेरी कलम चल रही। एंजाइम का कार्य है एज अ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक के तरीके कार्य करना। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती है, एंजाइम का क्या कार्य है? उत्प्रेरक के तरीके कार्य करना। उत्प्रेरक का क्या काम है? उत्प्रेरक होता क्या है कि अगर कोई भी क्रिया चल रही है उसका रेट बढ़ा देना, उसकी गति बढ़ा देना, यह एंजाइम का कार्य है। अगर कोई चीज हो रही है धीरे धीरे चल रही, तो यह उसको जाकर के क्या करेगा? फास्ट कर देगा, तेज कर देगा, यह एंजाइम का कार्य है। एंजाइम जो निकलते हैं, कई बार यह पूछ लिया जाता है क्या जहां से निकलते हैं सिर्फ वहीं पे कार्य करते हैं? जी नहीं, यह शरीर के किसी भी हिस्से पे जहां पर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाकर के अपना पूरा कार्य दिखाते हैं। तो ये मतलब ये कहना गलत है कि जहां से निकल रहे हैं वहीं पर जाकर के अपना असर दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। यह पूरी बॉडी को कवर कर ले जाते हैं, तो जहां से निकलते हैं वहां तो कर ही रहे हैं, पर जहां पर और बॉडी के हिस्सों में भी और भी शरीर के हिस्सों में जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो उत्प्रेरक के तरीके काम करते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। एंजाइम किस तरीके से काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक के तरह काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी पर अपना असर दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं जरा इसके उदाहरण जरा देखें, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण जरा देखिए। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण अगर देखेंगे तो लार ग्रंथि, दूध ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन दोनों की बात करूंगा। क्यों इन दोनों को दोनों में रखा गया है? ठीक है, यकृत और अग्नाशय। अब आते हैं जरा अंतःस्रावी पे। अंतःस्रावी का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। तो जरा देखिए भैया, हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का कार्य क्या है जरा देखते हैं। हार्मोन जो है आपका संदेश वाहक के तरीके कार्य कर रहा है। हार्मोन किस तरह से कार्य कर रहा है? संदेश वाहक की तरह कार्य कर रहा है, और यह भी पूरी बॉडी में कार्य करता है। ये नहीं कि जहां से निकल रहा है सिर्फ वहीं पे अपना कार्य कर रहा है, पूरी बॉडी में अपना कार्य कर रहा होता है। संदेश वाहक यह क्या काम करता है? जो हार्मोन निकलते हैं जा करके विभिन्न हिस्सों तक संदेश पहुंचाते हैं, और वह हिस्सा उस संदेश को ग्रहण करते हुए क्या काम करता है? उसको उसके ऊपर एक्ट करता है। सपोज जैसे अगर मैं बात कहूं आपसे, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, तो जो आपकी पैराथायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है एक, वह क्या काम करेगी? वह एक आधे एक संदेश भेजेगी मस्तिष्क के पास। ठीक है, और मस्तिष्क क्या काम करेगा? हड्डियों को आदेश करेगा कि आप जो है कैल्शियम को थोड़ा सा रक्त में छोड़े, ताकि रक्त में जो कैल्शियम की कमी है वह पूरी की जा सके। तो यह संदेश वाहक के तरीके काम कर रहा होता है। तो हार्मोन संदेश वाहक की तरह काम करता है, जहां से निकलता है वहां पर भी कार्य कर सकता है, और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी अपना कार्य दिखा सकता है। ठीक है, तो जरा इसके उदाहरण देखें। हमें मेनली इन्हीं को डिस्कस करना है, इनको हमको डिस्कस नहीं करना है। यहां से सवालें आपकी नहीं बनेंगी, बनेंगी तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही बनेंगी। जरा देखते हैं क्या बनेंगी। उदाहरण पहले देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। हमको इन्हीं छह ग्रंथियों के बारे में ओवरऑल पूरा जानकारी लेना है। ठीक है,
तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि पर आते हैं, यह मस्तिष्क में अवस्थित होती है, ठीक है, मस्तिष्क में अवस्थित होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि कहाँ अवस्थित रहती है, मस्तिष्क के स्फेनॉइड हड्डी में अवस्थित होती है। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, आपने बहुत ढेर सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, पर ऐसा नहीं है, यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है भैया पिनियल, क्या है, पिनियल ग्रंथि है। पिनियल ग्रंथि में वो भी मस्तिष्क में अवस्थित रहती है। यह क्या काम करती है, नींद वाले हार्मोन निकालती है, और उस नींद वाले हार्मोन का क्या नाम है, मेलाटोनिन, क्या नाम है उसका भैया, मेलाटोनिन नाम है, नींद वाले हार्मोन निकालती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है यह सवाल और यह पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और चारों ऑप्शनों में उसमें पिनियल भी दिया है और पीयूष भी दिया है, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका पिनियल। लेकिन अगर अगर ऐसा आया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताएं और उसमें पिनियल है ही नहीं, आप अपने दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइएगा, सीधा सीधा आंसर किसको मार्क कर दीजिएगा, पीयूष को फिर, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ही बसती है पिनियल के बाद। अब ये कहें कि सवाल ही गलत हो गया, सबसे छोटी ग्रंथि तो आपकी पिनियल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो है सवाल के हिसाब से आप पीयूष पर चले जाइएगा। अगर पिनियल और पीयूष दोनों हैं तो पिनियल को मार्क करिएगा, और अगर पिनियल नहीं है तो जाहिर सी बात क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को क्या काम करते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड जो है अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, या अन्य और ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला गया है। पीयूष ग्रंथि मुख्यतः 6 प्रकार के हार्मोन निकालती है, हमें उन 6 प्रकारों को नहीं पढ़ना है, उसमें सबसे जो प्रमुख है जिसको क्या बोला गया है, एसटीएच हार्मोन बोला गया है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या काम करता है, मुख्यतः हड्डियों का विकास करता है, इसकी कमी होने पर बौनापन हो सकता है, एवं अधिकता होने पर क्या हो सकता है भैया, भीमकायत्व हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, कि अगर दोनों पेरेंट्स मान लीजिए आपके दोनों का साइज छोटा है तो हो सकता है आने वाला ऑफ स्क्रीन भी उनका क्या होगा, छोटा ही होगा, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट सेम है और बच्चा छोटा अगर आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पर यह हार्मोन का डिसबैलेंस हो उसके शरीर में, ठीक है, या मतलब समय के साथ उसकी हाइट अगर नहीं बढ़ रही है तो वो हो सकता है एसटीएच का हार्मोन की कमी हो, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में जरूर याद रखिए कि पीयूष ग्रंथि से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ग्रंथि पर आते हैं यार, नेक्स्ट ग्रंथि है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथि क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है, यह किडनी के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, ठीक है, किडनी के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, रक्षा हार्मोन निकालती है जिसे क्या बोला गया है, एड्रिनलीन, यह रक्षा हार्मोन निकालती है जिसे क्या बोला गया है, एड्रिनलीन बोला गया है। इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इस हार्मोन को, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाई हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, फाइट और फ्लाई हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन तब निकालते हैं जब आपके सामने कोई खतरा आ जाता है, और उस समय या तो भैया बोलेगा लड़ लो और या तो वहां से भाग लो, ठीक है, इसलिए उसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, रक्षा हार्मोन बोला जाता है। सपोज सामने कोई शेर आ गया तो तुरंत यह हार्मोन्स क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे और आदेश करेंगे मांसपेशियों को, मस्तिष्क आदेश पहुंचेगा और आपको यह आएगा कि भैया भाग लो यहां से, ठीक है। तो यहां पर यह हार्मोन क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाई हार्मोन, यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जाहिर सी बात है अचानक से शेर वगैरह आ गया तो हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, तो पूरा ब्लड प्रेशर को यह उस समय नियंत्रित करता है, कौन भैया आपका, रक्तचाप को नियंत्रित करता है कौन आपका, एड्रिनलिन ग्लैंड, और जो हार्मोन निकल रहा है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन ये इस ग्रंथि को जो है 2 भागों में और डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, कोर्टेक्स और मेडुला, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स का काम है 2 तरीके के हार्मोन निकालना, एक सेक्स हार्मोन निकालेगा और एक दूसरे का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है,
सेक्स हार्मोन, सेकेंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेक्स हार्मोन में अगर देखेंगे तो मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ये याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जाता है भैया, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। इसके बाद मेडुला, मेडुला, मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निकालता है जो आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट, बीपी, इन सब पर नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला। मेडुला आपका किसके ऊपर नियंत्रण करता है, श्वसन पर, ठीक है, हृदय गति पर, रक्तचाप पर, इन चीजों के ऊपर आपका यह नियंत्रण करता है। यहां पर एक चीज रह गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यह क्या काम करता है आपका, यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को नियंत्रित करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो यहां से इन बातों को जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ग्रंथि पर आते हैं, हमारी है वह है हमारी थायराइड ग्रंथ। देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। थायराइड ग्रंथ, पहली बात तो यह कहां अवस्थित होती है, यह ट्रैकिया, जो आपकी श्वास नली है, श्वास नली जो है आपकी, श्वास नली के दोनों ओर अवस्थित रहती है, यह दोनों ओर अवस्थित रहती है, दोनों ओर अवस्थित रहती है, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि है या श्वास नली के दोनों ओर अवस्थित रहती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहां अंतःस्रावी बहुत जरूरी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसी ग्रंथि को एडम्स एप्पल भी बोला जाता है, ये जो ठुड्डी नहीं निकली है गले में, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, एडम्स एप्पल, यही आपकी थायराइड ग्रंथि है। क्या बोला जाता है भैया? एडम्स एप्पल भी बोला जाता है इसी ग्रंथि को, क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। और यह जो हार्मोन निकालती है उस हार्मोन का नाम है TSH, क्या है, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या STH हार्मोन निकालती है आपका। और यही जो है, यही STH हार्मोन दो अन्य हार्मोनों को निकालता है, यही STH हार्मोन, क्या, सॉरी, TSH हार्मोन दो अन्य हार्मोनों को निकालता है। कौन कौन सा है भैया? देखिए, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और ट्रायोडो, ट्रायोडो थायरोनिन, थायरॉक्सिन और ट्रायोडो थायरोनिन, ठीक है। थायरॉक्सिन को गले का पेसमेकर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गले का पेसमेकर भी इसको बोला जाता है, इस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को। देखिए, थायराइड ग्रंथि ने क्या निकाला, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हार्मोन फर्दर दो और हार्मोनों को सक्रिय करता निकालता है, थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन। यह गले का पेसमेकर किसको कहा जाता है, थायरॉक्सिन को कहा जाता है। अगर TSH की कमी हो रही है तो आयोडीन की मात्रा अनियंत्रित, पहली बात, आयोडीन की मात्रा अनियंत्रित होती है, तब जाकर के यह हार्मोन जो है अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है। और अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा कम हो गई तो आपने एक नाम सुना होगा, घेंघा रोग, घेंघा रोग। अगर इस ग्रंथ में दिक्कत आई तो यह घेंघा रोग जो है, गॉइटर, जो कि आयोडीन के अनियंत्रित होने की वजह से होता है, यह होगा घेंघा रोग, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रैकिया है आपका श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, यह इसके दोनों ओर अवस्थित रहती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अब आपको यह लगेगा कि यकृत भी तो आती है भैया, यकृत ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की,
क्योंकि वो दोनों में चली आ रही है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में भी, तो इस वजह से उसको अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर बाह्यस्रावी क्या रह जाएगा फिर, ठीक है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर बात करेंगे तो वह है आपकी थायराइड ग्रंथि, और पूरे शरीर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यकृत लीवर, ठीक है। तो ये रही थायराइड ग्रंथियां ग्रंथियों के बारे में कुछ बात हो गई। अब हम जरा आगे आते हैं जो नेक्स्ट ग्रंथि है उसके बारे में, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको, पैराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथ के ठीक पीछे होती है, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथ के, थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होती है, ठीक पीछे होती है यह, ठीक है। और दूसरी बात, यह कब सक्रिय होती है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तब यह हार्मोन निकालती है, ठीक है ना। ब्लड में, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है तब जा करके यह ग्रंथि सक्रिय होती है, क्लियर। तो थायराइड के बारे में आपको इतना, थायराइड और पैराथायराइड के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। और हम नेक्स्ट पर आते हैं जो कि हमारी क्या है भैया, वह है हमारी यकृत पर आते हैं, ठीक है। नई ग्रंथि है हमारी यकृत, यकृत से जरा स्टार्ट करते हैं, जरा देखें यकृत में, ठीक है। वजन पहले इसका देख लें, वेट अगर कितना है, इसका वेट है तकरीबन 1.5 किलो, ठीक है। और ग्रंथि के तरीके जो यह कार्य कर रही है, यह पहली बात तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की जो है यह ग्रंथि, यह दोनों ग्रंथियों में आती है। दोनों ग्रंथियों का मतलब है अंतःस्रावी में भी आती है और बाह्यस्रावी में भी आती है, ठीक है। जरा देखें अंतःस्रावी में कैसे आती है और बाह्यस्रावी में कैसे आती है, जब यह बाइल जूस निकालती है, बाइल जूस पित्त रस जो कि बाहर से आने वाले भोजन को पचाता है, तो बाहर से कोई चीज आ रही उसको यह पचा रहा है, तब यह बाह्यस्रावी के तरीके कार्य करता है, जब यह क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है, क्या निकालता है, पित्त रस, बाइल जूस। तो पित्त रस का निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। पित्त रस इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में होता है, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। और यह बाह्यस्रावी के ग्रंथि तरह काम करता है जब यह क्या बना रहा होता है, पित्त रस बना रहा होता है। दूसरा, जब यह आप इसको एंजाइम कह लीजिए, क्या काम करता है, भोजन को तेजी से पचा देता है। तो क्या किसी भी क्रिया का यह रेट तेज कर रहा है कि नहीं, जो है रेट जो है उसको बढ़ा दे रहा है, तो बढ़ा रहा है, तब यह क्या कहलाता है, एंजाइम, आप इसको कह लीजिए एंजाइम के तरीके यहां पर वर्क करेगा। और यह हार्मोन निकालता है एक, उसको बोलते हैं IFG, इंपेयर्ड फास्टनिंग ग्लूकोज, यह हार्मोन है। जब यह IFG हार्मोन निकालता है तब यह किस तरीके से, क्योंकि यह सीधा रक्त में मिलता है जाकर के, शरीर के अंदर ही, ठीक है। तो यह एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, कौन भैया, यकृत। तो अगर हम ग्रंथियों के लिए, हालांकि यकृत को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जो है ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसके लिए ही सिर्फ बात करेंगे। तो वजन है 1.5 किलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यह बाह्यस्रावी की तरह काम कर रही है जब बाइल जूस का निर्माण कर रही है, और अंतःस्रावी के तरीके काम तब कर रही है जब यह IFG नामक हार्मोन यह निकाल रही है, ठीक है। पित्त रस बनता कहाँ है, यकृत में बनता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, क्लियर। आगे आते हैं जरा नेक्स्ट ग्रंथि पर, वह है हमारी अग्नाशय, ये इंपॉर्टेंट है अग्नाशय, पैंक्रियास, यह भी दोनों ग्रंथियों में आती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में भी आती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी आती है, ठीक है। पैंक्रियाज में यहाँ पर बेसिकली तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स, ठीक है। यह ग्लूकोजन निकालती हैं, ग्लूकोजन आप ऐसे कह लें, ठीक है, जो कि शुगर के लेवल को, शुगर के लेवल को क्या काम करती है, बढ़ाती है। शुगर के लेवल को क्या काम करती है, बढ़ाती है। बीटा अल्फा सेल्स क्या निकालती हैं, ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन, ग्लूकोजन, ठीक है, और ग्लूकोजन, और यह क्या काम करती हैं, शुगर के लेवल को बढ़ाती है। मतलब अगर शुगर कम हो गई है तो उसको क्या काम करती हैं, इंक्रीज करा देती हैं। बीटा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या निकलता है भैया, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये सभी हार्मोनी है, ठीक है ना, इनसे जो भी निकल रहा है सब हार्मोन, अल्फा बीटा और गामा से सब हार्मोन निकल रहा है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है, शुगर के लेवल को ये बढ़ा रहा है, और यह क्या काम करता है, मेंटेन करके रख रहा है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको एक लेवल पे ला करके स्थिर करेगा, अगर यह काम नहीं कर रहा है तब जाकर के आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और सॉरी यह डेल्टा नहीं है, यह सॉरी यह गामा नहीं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा सेल्स, ठीक है। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन निकालती हैं, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जनरली पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, एंजाइम की तरह या एक तरीके से वर्क करते हैं, या कई और ग्रंथियों से भी निकलता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी से निकलता है, पर हमारे जो सबसे काम का है वह है बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है। तो अग्नाशय या दोनों ग्रंथियों में आता है, अंतःस्रावी में भी आता है, बाह्यस्रावी में भी आता है, और जब यह अंतःस्रावी के तरीके कार्य कर रहा है तो हार्मोन निकालता है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल से ग्लूकोजन निकलता है जो कि शुगर के लेवल को बढ़ाता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन वह जो है क्या काम करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन, जो कि पाचन क्रिया में और भी क्रियाओं में यह हेल्पफुल रहता है, या और भी ग्रंथियों से यह निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं से निकलता है। तो यहां पर थोड़ा और जरा आगे चल के बात करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन भैया प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, हार्मोन है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसका सब पार्ट देखें तो यह क्या है, प्रोटीन है, और इसमें एक धातु पाई जाती है, जिंक, जस्ता, जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, इसमें जस्ता धातु पाई जाती है। इंसुलिन को डहेलिया नामक पेड़ से भी प्राप्त किया जाता है, किस पेड़ से भैया, डहेलिया, डहेलिया नामक पेड़ के छाल से भी प्राप्त किया जाता है। और इंसुलिन की जो खोज की थी आपने, बेंटिंग ने की थी, बेंटिंग ने की थी, ठीक है, बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। तो आप यहां पे इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखें। यहां पर थोड़ा सा अब यहां पर देखते हैं कि यह किस तरह से दोनों ग्रंथियों की तरह का काम कर, तो हार्मोन तो निकाल रहा है इंसुलिन, तो यह अंतःस्रावी हो गया। या ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकालता है, पैंक्रियास जो है आपका अग्नाशय, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकालता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो एंजाइम निकल रहा है, एंजाइम कौन निकालता है, बाह्यस्रावी, और हार्मोन कौन निकालता है, अंतःस्रावी। तो क्या यह दोनों तरीके से काम करने लगी, जी हाँ, दोनों तरीके से काम करने लगी। तो जो आपका यकृत और अग्नाशय है यह दोनों तरह की ग्रंथियों में आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए, सपोज ऐसे कह लूं आपको कि दोनों दे दिया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, और ऑप्शन में यकृत भी दिया और अग्नाशय भी दिया है, तो ज्यादा अच्छा आंसर, करेक्ट आंसर अग्नाशय को आप मानेंगे। और यकृत अगर अगर मान लीजिए अग्नाशय नहीं दिया तो जाहिर सी बात है यकृत पे हम चले जाएंगे। क्लियर है बात ये। चलिए यहां पर हम ग्रंथियों का टॉपिक पूरा क्लोज करते हैं। यार आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे सवाल आपके जहां तक है मोस्टली फंस जाएंगे। एक बात और, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी ग्रंथियां जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जोड़े में देखिए, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि आपने देखा था एड्रिनल ग्रंथि किडनियों के ऊपरी छोर पर पाई जा रही थी, कितनी किडनियां हैं, दो, तो वो डुअल पाई जाती हैं। गले के दोनों ओर अवस्थित होती है, कौन सी आपकी,
थायराइड, तो यह दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखते हैं, पीयूष ग्रंथि सिंगल ग्रंथि है, आप उसको ऐसे याद रखिए, और एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये तीनों जो है आपकी ड्यूअल में पाई जाती है, इनके जोड़े में पाई जाती है। ठीक है, चलिए यहां पर इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।